व्हाट्स अप एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की रॉ सिर्फ 2 घंटे की हुई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेटफ्लिक्स पर रॉ आने वाली है। ये तो आप लोग ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ कि रॉ जनवरी 2025 में नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, जिसकी वजह से रॉ आज 2 घंटे की हुई। और जब तक रॉ अब नेटफ्लिक्स पर नहीं आती, तब तक रॉ 2 घंटे की ही रहेगी। काफ़ी अजीब लग रहा होगा आप लोग को, मुझे भी काफ़ी अजीब लगा आज की रॉ देखकर, क्योंकि जब से मैं रॉ देख रहा हूँ मैंने कभी नहीं देखा रॉ 2 घंटे की, ये पहली बार देखा। पर चलो कोई बात नहीं, 2 ही 3 महीने की बात, अक्टूबर, वैसे भी आज 10 अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर बचा, फिर तो रॉ आ ही जाएगी। जब नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी वो, फिर 3 घंटे की हो जाएगी। और गाइस, आज की रॉ में तो बहुत मज़ा आया, बट जो एक मज़ा वो वाला आता था 3 घंटे की रॉ में, वो नहीं आया। मतलब 50-50 रॉ थी आज की। बट चलते हैं हम लोग अपनी रॉ की तरफ। तो शुरू मेरी रॉ तो गाइस शुरू हुई थी सीएम पुंग, उससे पहले वाला तो अजीब था भैया, उसको छोड़ो। देखिए, सीएम पुंग ने आज 3 बात कही अपने रॉ पर। पहले उन्होंने उन लोग को थैंक्स किया जो वहाँ पर, पूरा जो क्राउड था और उनके जितने भी फैन वैन थे वहाँ पर, उन लोगों से उन्होंने थैंक यू बोला कि उन लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया और उनको यहाँ तक ले आए। उनका कमबैक हुआ तो सारे लोग ने उनका नाम चैंट किया और खूब उनके बारे में बातें की। उनको बुलाया गया वापस, वो वापस आए, इसलिए उन्होंने सबको थैंक यू बोला। सेकंड, उन्होंने तो हम सब को भी थैंक यू बोला कि जो उनको टेलीविज़न से देखते हैं, जो वहाँ नहीं जा पाए, और सभी लोगों को, मतलब पूरे वर्ल्ड को बोला, जो उनके फ़ैन फॉलोइंग है, जो वहाँ नहीं भी गए, जो टीवी पर उनको देखते हैं। और थर्ड, सबसे मेन, उन्होंने उन लोगों को भी थैंक यू बोला जो उनको नापसंद करते हैं और उनसे नफरत करते हैं। ये 3 बात कहने के बाद उन्होंने फाइनली ये बता दिया कि उनका अब WWE का फ्यूचर अनसर्टेन है। मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो अब आगे लड़ेंगे, ज़्यादा साल टिकेंगे या नहीं टिकेंगे हेल इन अ सेल के मैच के बाद, क्योंकि आज जो उनकी कंडीशन थी उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि और भी यही नहीं, मुझे बहुत से लीजेंडों का नहीं लगता, जैसे रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, सीएम पंक, मतलब और भी हैं जो कि इन लोग रिटायरमेंट के, इन लोग का टाइम आ ही गया है। जॉन सीना का तो देखो 2025 में उनका रिटायरमेंट हो ही जाएगा। अब इन लोग का भी रिटायरमेंट बहुत दूर नहीं, बस करीबी है। तो उन्होंने ये बात कहा कि अब वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे और अब उनका कंफर्म नहीं कि वो रिटर्न कब हुए। उसी दौरान सेट रॉलिंस की टीम हिट हो गई और सेट रॉलिंस आए और उनको टक्कर मारकर आगे चले गए, जहाँ से ये साइन हमको दिखता है कि अब शायद सीएम पुंग और सेट रॉलिंस की राइवलरी हम लोग को देखने को मिले, इन लोग की स्टोरी की स्टार्टिंग हुए। क्योंकि सेट रॉलिंस की तो आदत है, अभी 2021 में एज से थी, फिर 2022 में कॉडी रोड से थी, और फिर उनकी ना किसी से होती रहती है। अब यहाँ से हम लोग को एक हिंट मिला, भले ही छोटा सा हम लोग को हिंट मिला कि अब सीएम पुंग सेट रॉलिंस की स्टार्टिंग हो सकती है जब सीएम पुंग रिटर्न होंगे। अब आते हैं सेट रॉलिंस पे। सेट रॉलिंस ने तो साफ ये कह दिया है, ब्रॉन्सन बीड को ओपन चैलेंज है उनका। उन्होंने आज ये कह दिया है कि तुमको हमसे जहाँ लड़ना है, जिस जगह लड़ना है, जब लड़ना है, तुम बताओ। तो अब रिटर्न ब्रॉन्सन बीड बताएंगे कि उनको सेट रॉलिंस से कहाँ लड़ना है, और देखते हैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि इन लोग का मैच क्राउन जेवल में लग जाए, या तो रॉ के भी वीक में लग सकता है, या मेरी जो प्रिडिक्शन है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्राउन जेवल में। ठीक है, अब इनकी स्टोरी भी बहुत मज़ा आएगी देखने में। वहीं अब चलते हैं हम लोग अपने जे उसो वर्सेस एक्जेवियर वुड के मैच पे। कमाल का मैच हुआ यार, दोनों ने एक नंबर की लड़ाई लड़ी, लेकिन बीच में ब्राउन ब्रेकर का इंटरप्शन, यहाँ तक इवन कॉफी किंगस्टन को भी स्पेयर मार दिया उन्होंने। तो मुझे लास्ट वीक लगा था, बाकी सभी को ही लगा था कि जिस हिसाब से उन्होंने, मतलब जे उसो को रेस्पेक्ट दी और गुंतर के टाइटल को देखा, तो हम सबका यही इंट था कि नेक्स्ट वीक गुंतर का जब सैमी ज़ेन से मैच होगा तो इनका इंटरप्शन हो सकता है। काफ़ी लोगों की प्रेडिक्शन थी, काफ़ी लोगों का ये मानना था, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी राइवलरी कंटिन्यू ही रखी जे उसो से। अब नेक्स्ट वीक पर देखते हैं कि इसके बारे में जे उसो का क्या कहना है, और हो सकता हो जे उसो भी इंटरप्ट कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीक कॉफी किंगस्टन का ब्राउन ब्रेकर से मैच है। ये मैच भी देखने में नेक्स्ट वीक बहुत मज़ा आएगी, क्योंकि इसमें मुझे तो 100% से 70% चांसेस लगता है कि जे उसो इंटरप्ट करेंगे। वो गुस्से में आके
ब्राउन ब्रेकर को मारेंगे और इनका भी मैच क्राउन जेवल में लग सकता है, क्योंकि अब इतनी आसानी से शान जेउसो भी बैठेंगे नहीं, तो इसमें भी हम लोग को आगे मज़ा आने वाली है। अब चलते हैं हम लोग गुड ओल्ड फैशन डॉनी ब्रुक मैच पर, जो कि था शेमस वर्सेस स्पीडन। कमाल का मैच था यार, मज़ा आ गया। इतना बढ़िया बैरल और बैट वैट लेके आए, बहुत बढ़िया मैच हुआ। और मुझे तो पता था जीत शेमस की होगी, क्योंकि शेमस जैसे सुपरस्टार को हराना पीट डन अभी अभी है, इतना आसान नहीं है भैया शेमस को हराना। हाँ भले शेमस का टाइम जा चुका है, अब उनका भी टाइम आ ही रहा रिटायरमेंट में, हाँ इनका नाम भी ले लो रिटायरमेंट में, इनका टाइम आ ही रहा रिटायरमेंट में, बट अब देखना ये है कि इनसे पीट डन की राइवलरी ख़त्म भी होती है नहीं नेक्स्ट वीक, जो कि हमें पता चल जाएगा कि शेमस का अगला क्या होने वाला है अपोनेंट। फिर भी ये मैच तो कमाल का था यार, मज़ा आ गया मैच देखने में, एक नंबर का मैच हुआ। अब आते हैं गाइस अपने मेन इवेंट पर, गुंथर वर्सेस सैमी जैन। कमाल का मैच हुआ यार, जितना मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सैमी जैन इतना टिकेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा टिक गए। आखिरी तक उन्होंने हार ही नहीं माना, इतनी पावर बम खा लिया, इतना मार खा लिया, लेकिन तब भी हार नहीं माने। बस जब उन्होंने लॉक लगा लिया तो भी वो बेहोश हो गए, तब भी उन्होंने टैप आउट नहीं किया। कमाल का लड़े गुंतर से, गुंतर की तो एक टाइम पे सांस रुक गई थी। गुंतर को लगा कि आज तो टाइटल गया, और हम लोग को भी लगा कि आज टाइटल गया, बट अब स्टोरी लाइन पे गुंतर को और कुछ जिताना ही था, गुंतर वर्सेस कॉडी रोड्स करना था, तो सैमी जैन कहाँ से जीत पाते। और मेन बात तो इसमें आपको हम बताएं, इसमें बहुत से लोगों का प्रेडिक्शन था कि इसमें गोल्डबर्ग की वापसी होगी इस मैच में, क्योंकि हम सभी को मालूम था कि मतलब कोई भी डब्ल्यू का इवेंट होता है काफ़ी बड़ा मतलब, तो उसके बाद कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है धमाकेदार, कोई भी बड़ा इवेंट जैसे बैड ब्लड काफ़ी साल बाद हुआ, तो ये एक्सपेक्टेशन सबकी थी कि मंडे नाइट ड्रॉप पर कुछ बड़ा इवेंट होगा। बट चलो कोई बात नहीं, गोल्डबर्ग का तो वापसी हुई नहीं, लेकिन मैच देखने में मज़ा आ गई। बट लास्ट में कॉडी रोड्स और गुंथर का आमना सामना, मज़ा आ गई तो उसको देखने में। अब तो क्राउन जेवल का बेसब्री से इंतज़ार है, बस जल्दी से और देखें कि क्राउन जेवल चैम्पियनशिप कौन जीतता है। मेरे हिसाब से तो कॉडी रोड्स ही जीतते हैं, बट आगे चल के हम लोग सारी प्रेडिक्शन करेंगे सारे मैच की जो जो कंडक्ट होंगे। बाकी आज के रॉ में इतने हुआ, लेकिन आज की रॉ इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ज़्यादा नहीं थी लेकिन बढ़िया थी, इसलिए इस रॉ को मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा। और जो नेक्स्ट मंडे मैचेस हैं वो भी कमाल गए, कॉफी किंगस्टन वर्सेस ब्राउन ब्रेकर, और फिर टैग टीम मैच जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस डैमेज कंट्रोल, जो कि चैम्पियनशिप वुमेन्स टैग टीम चैम्पियनशिप लाइन पर रहेगी। और फिर आर्तुत वर्सेस दामिस, जो कि अजीब स्टोरी लाइन चल रही है, आर्तुत दामिस को समझा रहे कि वो जजमेंट डे के मेंबर थे लेकिन अब नहीं है, और दामिस उनसे कह रहे हैं कि नहीं औसम आर्तुत डन हो चुका है, जो कि अजीब है। चलो देखते हैं नेक्स्ट मंडे इनका क्या होता है। ओके गाइस, आज का रॉ तो हम लोग का डन हो गया, नेक्स्ट मंडे जो जो मैचेस हैं वो भी मैंने बता दिए। अब आपको एक मेन बात बताएं, शायद आपको नहीं भी पता हो कि केविन ओवेंस ने कॉडी रोड्स के ऊपर अटैक कर दिया है, जो कि अभी ज़्यादा टेलीविज़न पर नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया है, जो कि अभी ज़्यादा शो नहीं है, इसलिए अब नेक्स्ट स्मैकडाउन पर देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। और अब आते हैं द रॉक पे, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रोड्स। दरअसल मेनिया 41 में बहुत चेयर थे इस मैच के, जो कि ये मैच मुश्किल है, लेकिन ये मैच हो भी सकता है, क्योंकि दोनों की नज़र गोल पर है, कॉडी भी रखना चाहते हैं रोमन भी, लेकिन द रॉक की नज़र है उतनी स्टोरी पर, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था, मैंने बैड ब्लड में बताया था कि उन्होंने कहा कि रोमन से कॉडी की स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, जो कि उनसे शुरू हो चुकी है। बट वो रोमन से इसलिए गुस्सा है कि उन्होंने कॉडी रोड्स को अपना पार्टनर क्यों चूज़ किया। ये चीज़ हम लोग को सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम पर देखने पर नज़र आ सकती है, क्योंकि अब लोगों का मानना और कहना ये है कि अब द रॉक की वापसी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में हो सकती है, जो कि रहेगी सोलो सिकोवा की तरफ। अब देखते हैं कि वॉर गेम होता है इन्हीं लोग के बीच या फिर दूसरा होता है, लेकिन बहुत से चांसेस तो ये कि वॉर गेम इनके बीच ही होगा, रोमन रेंस की टीम अलग होगी और द रॉक की टीम अलग होगी, उसके बाद राइवलरी चलते चलते पहुंचेगी रेसलमेनिया 41 में, जो कि ट्रिपल ट्रीट मैच में जा सकती है। फिर भी अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये WWE की स्टोरी लाइन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो खाली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा से ऐसा हो सकता है,
बट एग्जैक्ट कोई नहीं जानता, लेकिन ये प्रेडिक्शन तो ज़रूर है कि द रॉक का इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर होगा रेसलमेनिया 41 में। बाकी गाइस आगे अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे स्मैकडाउन तक क्या होता है। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, एंड टेक केयर, बाय बाय।